हेलो गाइस, वीवो V25 Pro 16th ऑफ अगस्त को इंडिया पे लॉन्च होने वाला है और अब तक यहाँ पे ये स्मार्टफोन की एवरीथिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे, किस प्राइस फोन पे ये स्मार्टफोन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है, तो आज हम बात करने वाले हैं वीवो V25 Pro से जुड़े सभी डिटेल्स के बारे में। सो चलिए आज की इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लुक एंड बिल्ड की बात करते हैं, तो लुक एंड डिज़ाइन थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा इस बार पिछले बार से, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक में ग्लास बिल्ड का सपोर्ट होगा और इस बार भी हमें कलर शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलेगा, यानी कि अगर धूप में इस फ़ोन को लेकर जाते हो तो वो कुछ अलग कलर में होगा और इंडोर में नॉर्मली यूज करते हो तो वो कुछ अलग कलर में होगा। तो अभी तक तो हमें बिल्ड क्वालिटी में कुछ नया नहीं देखने को मिला है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर की स्पेसिफिकेशंस की कि इस बारे में क्या कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा पिछले वाले सीरीज से। तो हम लोग डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं, तो 6.5 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस के साथ कर्व एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट होगा, जहाँ पे 120 हर्ट्ज की हाईर रिफ्रेश रेट एंड 1500 निट्स की पिक ब्राइटनेस और डिस्प्ले एचडीआर 10 जैसे फीचर को सपोर्ट करने वाला है। तो डिस्प्ले में इस बार हाईर रिफ्रेश रेट होगा, तो पिछले वाले सीरीज से हमें थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आते हम लोग कैमरास की तरफ, तो रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ OIS एंड 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल, बाकी वही 2 मेगापिक्सल की हमेशा की तरह डेप्थ सेंसर। तो इसकी मेन कैमरा से आप लोग 4K एंड 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि ठीक ठाक है। फ्रंट की बात करें तो इस बार सेंटर पंच होल कोडॉट के साथ हमें सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा, इस बार वो बड़ा सा नॉच नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी और यहाँ से आप लोग 4K एंड 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अगर आप लोग प्रीवियस वर्जन से इसे कंपेयर करते हो तो यहाँ पे कैमरास को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है। पिछली बार रियर पे 108 मेगापिक्सल की मेन कैमरा थी एंड फ्रंट पे 50 एंड 8 मेगापिक्सल की डुअल सेल्फी, बट मेगापिक्सल डिपेंड नहीं करते, देखते इस बार वीवो इसे किस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, तो परफॉर्मेंस को लेकर ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 वाले प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 7 लाख तक चली जाती है एंड माली G77 MC9 ग्राफिक पे बेस्ड होगा एंड 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट होगा, यानी कि परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन अगर प्रीवियस जनरेशन से बोलोगे तो कुछ खास मेजर अपग्रेड नहीं देखने को मिला है। पिछले वाला डायमेंसिटी 1200 के साथ आया था और ये वाला 1300 के साथ, लेकिन दोनों प्रोसेसर में कुछ खास मेजर फर्क नहीं देखने को मिला है परफॉर्मेंस को लेकर। बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की बात कर ले तो 4830 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है और इसे चार्ज करने के लिए 66 वाट की एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा और चार्जर भी विद बॉक्स रहने वाला है। तो पिछले बार से यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग स्पीड अपग्रेडेड होंगे। बाकी कुछ अदर छोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाला है, डुअल स्टीरियो स्पीकर होगा, 3.5 mm जैक नहीं दिया जाएगा, SD कार्ड स्लॉट भी नहीं रहने वाला है, बाकी डुअल सिम स्लॉट होगा विद बॉक्स इनवाइट 12 एंड फन टच OS 12.1 के साथ आने वाला है। तो ओवरऑल ये कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशंस होंगे जो कि हमें वीवो V25 Pro के साथ देखने को मिलने वाला है। अब मेजर पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि इसका प्राइसिंग, कि किस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो लीक्स के अकॉर्डिंग और एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग बताया जा रहे हैं कि ये स्मार्टफोन की जो बेस वेरियंट होगी 8/128 GB वाला, उसकी प्राइसिंग 35,000 या 37,000 के आसपास से स्टार्ट रहने वाला है, क्योंकि पिछले वाले वेरिएंट से यहाँ पे हमें कुछ खास अपग्रेड नहीं देखने को मिले, बल्कि बोलूँ कि यहाँ पे हमें डाउनग्रेड देखने को मिले, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम हो सकती है। फिलहाल आपका ओपिनियन क्या होता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई होप गाइज आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मिलते हैं हम लोग किसी अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।